बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ फ़तिया शाह, आई एम योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। ठीक है बेटा, अपनी इंग्लिश की बुक है, पेज नंबर जब आप 65 ओपन करेंगे तो आपको जो पोएम है वो है ग्लो वॉर्म्स कहते हैं बेटा कीड़ों को, ठीक है, और ग्लो कहते हैं चमकना, सही। तो चमकने वाले कीड़े, आपको पता है बेटा चमकने वाले कीड़े कौन से होते हैं? जुगनू। जी हाँ जी, ये जो चमकने वाले जो रात में जो कीड़े निकलते हैं, जो लाइट होती है जिसमें सनलाइट की तरह रोशनी होती है सोने जैसी, उसे हम कहते हैं जुगनू। ठीक है, ये पोयम जो है, ये इसके जो राइटर है वो निकोलस हॉर्सबर्ग है। ठीक है, उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी पोयम लिखी है, उन्होंने ये वाली पोयम लिखी है। मैं आपको इस पोयम के बारे में बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन अ डार्क नाइट, एक बहुत अंधेरी रात थी, ठीक है, जब बारिश हो रही थी, वेट नाइट कहते हैं जैसे हल्की हल्की बारिश होना, ठीक है, या आसमान से पानी बरसना हल्का हल्का, तो एक बहुत अंधेरी रात थी और उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी लाइट नहीं थी। और इस लड़के ने, यानी इस पोएम में बताया जाए, इस लड़के ने देखा कि कुछ रोशनी, सही, उसने देखा कि कुछ रोशनी चमक रही, उसको देख के ये अजाती बातें अंधेरे में इनको चमकती हुई रोशनी नज़र आई, ये बच्चा जो था वो डर गया। ठीक है, उसने देखा कि दरवाज़े के थ्रू बहुत सारे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये जुगनू है, सही, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज थी, डरा देने वाली थी। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो कीड़े हैं, मतलब वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, दर्जन कहते हैं, दर्जन में क्वांटिटी होती है 12, सही, एक दर्जन में 12 होते, सही है, उसी तरह डर्जन मोर यानी दर्जनों से भी ज़्यादा जो थे ये ग्लो वॉर्म्स अंदर आ रहे थे, सही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अंदर आ रहे हैं, सही, ये उन्हें नहीं जानता, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल नए। उसे देखा ये बिल्कुल चमकदार थे सितारों की तरह, जैसे जुपिटर और मार्स ही बेटा स्टार्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उन पर लाइट होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा उसे रोशन सितारे लगे। उसे लगा कि जैसे कोई किसी सोने को, किसी गोल्ड को किसी जार में बंद कर दिया हो या किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया हो, उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे अंदर आ रहे थे और ऐसे दिख रहे थे उसे, जैसे उनकी रोशनी ऐसी थी जैसे गाड़ी के ऊपर, जिस तरह की कार्स होती हैं उसके ऊपर लाइट्स होती हैं और कितनी रात में चमकती हैं, उसे वैसी ही चमकदार लगी। दे डांस इन द एयर एंड रेस्ड अप द स्टेयर, वो हवा के अंदर बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था उसके घर के अंदर वो हवा में डांस कर रही हैं, ठीक है, और वो रेस टका रही थी जैसे अप द स्टे, जैसे यूं, जैसे सीढ़ी कैसे यूं ऊपर जाती है, उसी तरह उसे ये सीढ़ी की तरह लगा कि ना सीढ़ी से की जैसे वो रेस लगा रही है, जैसे नीचे से ऊपर वो जा रही है, ठीक है। और वो उसे देख के बहुत डर गया था, और ये इतना डर गया था कि ये बेचारा अपनी चेयर से भी गिर गया, ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये जो ग्लो वॉर्म्स है एक्चुअली ये है क्या, ये है कीड़े, ठीक है। आई होप बेटा आपको, स्टूडेंट आपको ये पोएम समझ आई होगी, ठीक है, और इसके साथ आपको एक एक्टिविटी भी है इस यूनिट में आपके लिए, आप जब पेज नंबर 67 पे जाएंगे, क्योंकि ये पोएम एक एनिमल वो जानवर के बारे में, कीड़े भी जानवर ही होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे आपको आपका कोई भी एनिमल जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई भी एनिमल आपको खुद ड्रॉ करना है विदाउट एनी हेल्प, सही, ओन आपको ड्रॉ करना है, जैसा भी आप बना सकते हैं आप बनाइए, कैट, डॉग, पैरोट, बर्ड, एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे, और उसके बारे में आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंस लिख करें, ये आपका होमवर्क है इसके साथ। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी आपकी एक्टिविटी भी और आपका पोएम की एक्सप्लेनेशन भी। अगर कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन इनबॉक्स मी, सही है, ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है पेज नंबर 67 का है, वर्कशीट नंबर 2A का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।